निरहुआ को मारा थप्पड़। नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इतना ज्यादा प्यार करने वाली निरहुआ को आम्रपाली ने थप्पड़ मार दिया? आखिर निरहुआ को आम्रपाली ने थप्पड़ मारा क्यों, जिसमें हमेशा ये देखने को मिलता था कि आम्रपाली हमेशा से निरहुआ के साथ बड़ी खुश नजर आती थी और ये जोड़ी फैंस को इतनी ज्यादा पसंद आती थी कि पूछिए ही मत। जब भी ये जोड़ी किसी गाने या फिल्मों में आती थी, फैंस व्यूज की बरसात कर देते थे। इतनी ज्यादा व्यूज मिलते थे इस जोड़ी को कि ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लेकिन अचानक से आम्रपाली और निरहुआ के बीच में ऐसा क्या हो गया, देखिए इस रिपोर्ट में। आम्रपाली ने सबके सामने आखिर क्यों मार दिया थप्पड़ निरहुआ को, जिससे बहुत प्यार था? आप भी ये बात सुनकर हैरान हो गए ना? लेकिन कुछ भी सोचने समझने से पहले आपको ये बताते चलें कि भोजपुरी सिनेमा में जुबली स्टार के नाम से मशहूर दिनेश लाल यादव निरहुआ और बेहद खूबसूरत अदाकारा आम्रपाली की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर धमाल मचाने को है तैयार। इस जोड़ी की इस फिल्म का नाम है लल्लू की लैला। फिल्म में निरहुआ और आम्रपाली दुबे के अलावा यामिनी सिंह भी नजर आने वाली हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि इस फिल्म के ट्रेलर को यानी 3 अगस्त को सुबह 7 बजे YouTube पर रिलीज कर दिया गया है। जैसे ये ट्रेलर YouTube पर अपलोड हुआ तो देखते ही देखते ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। आपको बता दें कि फिल्म के इस ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि निरहुआ एक बार फिर से भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर अपना रंग जमाने को है तैयार। ट्रेलर में इश्क मोहब्बत के साथ साथ एक्शन और खूब सारा ड्रामा भी देखने को मिल रहा है। ट्रेलर में दिख रहा है कि निरहुआ एक अनपढ़ इंसान का किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उसके साथ शादी करने से आम्रपाली दुबे इनकार कर देती है क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की और मॉडर्न लड़की है। इसी बीच जब निरहुआ आम्रपाली के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं तो आम्रपाली उनको जोरदार थप्पड़ मार देती है। खैर, अब आम्रपाली निरहुआ को अपनाती है या फिर नहीं, ये देखना खासा दिलचस्प होगा। नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। अरे भैया, ऐसा तो होता ही रहता है, कभी प्यार में तकरार होती है तो कभी एक दूसरे पर वार होता है, लेकिन प्यार थोड़ी ना कम होता है। अब जिस तरीके से पवन और रक्षा के बीच चल रहा है, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आम्रपाली और निरहुआ मिलजुल कर रहे और जिन जिन लोगों में इस तरीके की चीजें चल रही है उसे निपटा ले बैठ के, ताकि लोग इसके बारे में गॉसिप करें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो पवन और अक्षरा हो या फिर निरहुआ आम्रपाली, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, प्यार बांटें और एक दूसरे के साथ प्यार के साथ जीवन यापन करें। नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट लाइन भोजपुरिया। अपने सुझाव जरूर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।